प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या रहा यहाँ? जेठालाल कौन है? मैं हूँ। क्यों बुलाया हमें यहाँ? हाँ, इन्होंने नहीं, मैंने बुलाया। ये तो कह रहा कि जेठालाल ये है। अरे जेठालाल यही है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपको फोन करके बुलाया हमने। देखिए बात ये इंस्पेक्टर साहब की है, जेठालाल जो है ना हमारे हक के 10,000 हमें नहीं दे रहा है। अरे, अरे नहीं, नहीं, ये। और पूरी सोसाइटी के साथ मिलकर हम पर हमला कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है। अरे अपमान तो इसने किया मेरे बापू जी का, कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं ऐसा बोलकर। मैं तो कहता हूँ मानसिक संतुलन इसका ठीक नहीं है। सही बात है। हाँ, अरे कोटाड़ा कोटाड़ा, अरे ये बोलता है कि मैं इसे जानता हूँ लेकिन मैं जानता ही नहीं। और क्या? इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अरे कुछ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। शांति शांति। हाँ, मुझे कोई ठीक से समझाएगा? मैं आपको समझाता हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये जेठालाल ने अपने पिताजी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ऐसे पोस्टर जगह जगह लगवाए हैं। यार झूठ बोल रहा है, मैंने कोई पोस्टर नहीं छपवाया है। एक मिनट तुम चुप रहो, पहले इसकी बात मुझे सुनने दो, बाद में तुम बोलो, ठीक है? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। जल्दी जल्दी। हाँ, और उन पोस्टर में ऐसा छपवाया है कि जो आदमी मेरे पिताजी को सही सलामत घर पर पहुंचाएगा ना, उसे इनाम में 10,000 रुपया दिया जाएगा। और इसीलिए हमने इनके बाबूजी को सही सलामत घर पे पहुंचाया। तो हमको थैंक यू कहने के बजाय और हमको 10,000 देने के बजाय उल्टा इन सब लोगों ने हम पे हमला कर दिया। हमला? कितना झूठ बोलते हैं। पकड़ा पकड़ी, अभी सब पकड़ रहे थे सिर्फ हम लोग। इंस्पेक्टर साहब, जब मेरा बाबूजी बिल्कुल ठीक है तो मैं ऐसे पोस्टर क्यों छपवाऊंगा? अगर तुमने पोस्टर नहीं छपवाया तो पोस्टर छपवाए किसने? किसने? अरे हम क्यों छपवाएंगे पोस्टर? ये हमारे बापूजी थोड़ी है। बापूजी वड़ी, कितनी बार बोलो हमसे 10,000 रुपया लूटने के लिए तुमने छपवाए? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसा फ्रॉड करके 10,000 रुपये कमाने होते तो हम आपको फोन करके यहाँ पे क्यों बुलाते? पोस्टर ना तुमने छपवाए ना तुमने छपवाए, तो फिर पोस्टर छपवाए किसने? वैसे इंस्पेक्टर साहब, सोचने वाली बात तो ये भी है कि क्या सच में ऐसा पोस्टर है या ये इसकी मनगढ़ंत कहानी है? Exactly. मनगढ़ंत कहानी? अरे गांधी रोड पर जगह जगह इनके पोस्टर लगे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा? ठीक है चलो, जेठालाल तुम भी चलो। चल जेठिया। नहीं बाबू जी, आप रहने दो, मैं जाके आता हूँ। नहीं नहीं, मैं आता हूँ बापू जी। अरे जेठा बना, तुझे फिक्र ना करो, तुम पुलिस वालों के साथ उनकी जीप में जाओ, हम लोग सारे चाचा जी को लेके मेरी जीप में आते हैं। हाँ, ये ठीक रहे। ठीक है, चलिए फटाफट चलिए। चल चल छोड़ी चल। आओ इंस्पेक्टर साहब, आओ आओ। ठीक, देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये रहे पोस्टर्स। अरे देवा, ओ माय गुडनेस, जेठालाल ने तो सचमुच तुम्हारे नाम का पोस्टर है।
तेरी वो जेठाबरा वो उधर भी है पोस्टर। अरे वहां भी लगे। अरे भाई तो खड़े क्या, जहां जहां पोस्टर है फाड़ डालो। मैं तो कहता हूँ जिस जिस दीवार पे पोस्टर लगे वो दीवार भी तोड़ दो। हाँ, है? अरे सोड़ी तुम सिर्फ पोस्टर फाड़ो भाई, जेठालाल तुम शांत रहो ना प्लीज। करेक्ट है मेरा साहब। ओ पप्पू आओ आओ यहाँ चलो। करेक्ट है, फाड़ो फाड़ो फाड़ो। सॉरी चाचा जी, आज ने क्या किया इसको छट दूंगा नहीं मैं। देखा इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप मानते ना कि हम सच कह रहे हैं। अरे जेठालाल ये पोस्टर्स मैंने नहीं छपवाए हैं। जेठालाल मुझे लगता है ये पोस्टर इन्होंने नहीं छपवाए। देखा देखा, हमने आपका भला करना चाहा, लेकिन आप लोगों ने कैसे पागलों जैसे व्यवहार किया हमारे साथ। सॉरी। हाँ एक्चुअली वी आर वेरी सॉरी यार। और मैं भी सॉरी, और मैं क्या गोकुल धाम सोसाइटी भी सॉरी। सॉरी सॉरी। अरे हमें आपका सॉरी, अरे छोड़ो सॉरी, हमें आपका सॉरी बोरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे इनाम के 10,000 रुपये दे दो। अरे अरे मैं क्यों दूं 10,000? अरे क्यों दूं मतलब, हम आपके बाबूजी को सही सलामत घर पे लेके आए। क्यों लेके आए, मैंने बोला था। अरे आपने नहीं बोला था, लेकिन आपका ये पोस्टर चीख चीख के बोल रहा है उसका क्या। अरे भाई ये पोस्टर मैंने नहीं छपवाए। अरे जिसने भी छपवाए हो, हम तो हमारा काम धंधा छोड़ के आपके पिताजी को सही सलामत घर पे लेके आए ना, हमारा तो एक दिन का पगार गया। चलो चलो वो सब छोड़ो, आपने जो हमारा अपमान किया, हमारे साथ झगड़ा किया, सोसाइटी में कड़ी धूप में हमें दौड़ाया, उसका समझ के दे दो। लेकिन उसका 10,000? अरे तो हम दो जन है, 5-5 हुए ना। चलो 2,000। अरे 2,000? अरे भाई एक तो ये पोस्टर मैंने नहीं छपा, ये पूरे कांड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी 2,000 दे रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब समझाए जरा इसको। ओ भाई भलाई का जमाना ही नहीं रहा, भला कर दिया अभी निकलो। अरे लेकिन अभी 2,000 में मेरी साड़ियाँ कैसे आएंगी। ये बेवकूफ छोड़ मुझे छोड़। जेठिया जेठिया अरे शर्म कर, 10,000 के लिए किसी को भी अपना बाबूजी बना लेता है। ये मेरे बाबूजी हैं। चलो बाबूजी। अरे ये मेरे बाबूजी हैं। हाँ हमारे बाबूजी हैं। अरे कहा ना, ये मेरे बाबूजी हैं। इनका दिमाग ठीक नहीं है तो इनका फायदा उठाओगे तुम। चलिए बाबूजी। इसका बाबूजी हूँ। अरे सॉरी सॉरी, मेरे पिताजी भी इनके जैसे ही दिखते हैं, आजकल तो सेम टू सेम पिताजी घूम रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये पोस्टर किसने छपवा, किसने लगवाए। क्या बात है साहब, मुझे ये बताओ आपने यहाँ किसी को चाचा जी के पोस्टर लगाते हुए देखा। अरे रात को जब मैं दुकान बंद करके जा रहा था साहब, तभी तो कोई पोस्टर नहीं लगा था। हाँ सुबह जब मैं आया तब पोस्टर लगा था। ओ, इसका मतलब किसी ने रात में ये पोस्टर चिपकाया है। समझ में नहीं आता पोस्टर लगाने वाले ने बापू जी के साथ ऐसा क्यों किया। जेठालाल मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है। चाचा जी आपकी। अरे नहीं नहीं, हमारे बापू जी इतने अच्छे हैं ना कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि चाचा जी के पोस्टर क्यों और किसने छपवाए। अरे
उस लड़के ने किसने? बेटा ये वही फोटो है जो कल सुबह कार वाले लड़के ने खींची थी। ये लक्की उसी का काम है। कौन 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 कार वाला लड़का बाबूजी? बेटा अब कल सुबह जलेबी फाफड़ा लेकर जब मैं इसी रास्ते से घर आ रहा था तब चाचा जी मुझे लगता है नक्की है उसी लड़के का काम। बिल्कुल चाचा जी, और उसने क्या किया कि आपसे माफी मांगने के बहाने आपसे सारी जानकारी ले ली आपके बारे में कि आप कहाँ रहते हैं क्या करते हैं, और वही जानकारी यूज करके जेठालाल के नाम से पोस्टर छपवा दिए और चिपकवा दिए ताकि आपको परेशान कर सके। मैं उस कार वाले लड़के को छोड़ूंगा नहीं। और सही कहा जेठापरा। और चाचा जी आपको वो गाड़ी का नंबर याद है? नहीं भाई। कौन सी गाड़ी थी ये याद है? नहीं वो ध्यान से देखा नहीं। चाचा जी वो लड़का कैसा दिखता था ये कुछ याद है आपको? दिखने में 26-27 साल का लग रहा था और ऊंचाई मेरे जितनी थी और थोड़ा सा गोरा था। चेहरा कैसा था? चेहरा कैसे बताऊं, सामने आएगा तो पहचान लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अब बापूजी का अपमान करने वाले को जल्दी से ढूंढिए। देखिए भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम हमारी खबरों से इंक्वायरी करेंगे और ये पोस्टर वाले लड़के को हम जल्दी पकड़ने। प्लीज। और पकड़ के उसको मेरे सामने ले आना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा मतलब हम उस लड़के को पकड़ के आपके सामने लाएंगे और छोड़ देंगे और फिर आप उसको पकड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, करेक्ट? हाँ। देखिए आप काफी थक गए, प्लीज घर पे जाइए। और हम आप भी घर पे चले जाइए क्योंकि अब मैं थक गया, प्लीज जाइए। वो लड़का वो लड़के का जब पता चलेगा मैं खुद आके आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके प्लीज जाइए प्लीज। आइए बाबू जी। चाचा जी आओ। चलिए हवलदार। अरे मेरे होशियार हवलदारों, यहाँ नहीं वहाँ, चलिए। अरे आगे आगे चाचा जी। अरे अरे हरू हरू चेक आज सर, वो हस्बैंड वाइफ जो कह रहे थे क्या वो बात सच है? हाँ डॉक्टर आतिफ बात तो सच है। क्या बात कर रहे हैं आप? उसी पोस्टर वाली बात को सच मानकर वो हस्बैंड वाइफ चाचा जी को यहाँ पर लेकर आए। आई कैन बिलीव कि दुनिया में लोग ऐसा भी कर सकते हैं। देखो एक बार वो पापी लड़का मेरे हाथ में आ जाए फिर देखिए मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। चटनी बना देना। एक मिनट जेठा भाई, कौन सा पापी लड़का? वही लड़का जिसे चाचा जी ने सबक सिखाया था। ओहो, किस लड़के को क्या सबक सिखाया था? वो क्या हुआ अंजलि भाभी, कल सुबह बापूजी जलेबी फाफड़ा लेकर गांधी रोड से आ रहे थे तभी कैसा दिमाग है उस लड़के का? हाँ बरी, उस मुए लड़के ने तो बदला लेने के लिए ये सब किया था, लेकिन जो कोई भी पोस्टर देखेगा उसको तो यही लगेगा ना कि चाचा जी खुदा। ये पोस्टर चिपका के उस लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी मौत को आमंत्रण दिया है। एक बार बस वो मेरे हाथ में आ गया ना। ओए जेठापरा, तुम्हारे हाथ में आने से पहले उसको ये रोशन सिंह तोड़ी से टकराना पड़ेगा। ओए मैं उसको पोस्टर बना के दीवार पर लगाऊंगा। थोड़ी क्या कर रहा है भाई? अरे कितनी बार कहा है तुम्हें कि कॉलर और कानून को अपने हाथ में मत ले। सॉरी सॉरी यार, मैं ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ यार। ये सुनता ही नहीं मेरी बात। अरे ज्यादा यार। अरे देवा टप्पू सेना आली।
अभी अगर टप्पू को ये बात पता चली तो वो संभाले नहीं संभलेगा जेठालाल। ये बात बच्चों को बताना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए टप्पू से बात छुपा के रखनी पड़ेगी। कोई 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 कुछ मत करना, टप्पू से कुछ मत करना कोई। हाँ हाँ, ये लोग सब यहाँ कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? टप्पू, जरूर हमने कोई शरारत की है, शांत रहेगा। चलो। कोई कुछ नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं। मम्मी, क्या हुआ? वाह, कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पर कंपाउंड में क्या कर रहे हो? ऐसे ही। ऐसे। ये लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? लगता है कोई टेंशन वाली बात है। अच्छा, मतलब मैंने जो सुना वो सही है? मतलब प्रभु, तुमको पोस्टर वाली बात मालूम है? पोस्टर वाली बात? हाँ तो? क्या मैदा साहब, हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे कि टप्पू को कुछ बताना नहीं है, लेकिन इसको तो सब मालूम है। लेकिन टप्पू, तुमको ये चाचा जी का पोस्टर वाली बात कितने बताई? हाँ, पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ये बात कैसे पता चली? हाँ, वो क्या हुआ टप्पू कि है ना, वो दो लोग आए थे, हुआ क्या क्या क्या, मतलब तुझे ये बात पता नहीं थे? नहीं। अय्यर भाई, क्या लड़का है टप्पू तू? बेसुर लबाड़ा टप्पू बेटा, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दादाजी का ऐसा पोस्टर लगाने वाले उस लड़के को टप्पू छोड़ेगा नहीं। हम भी तुम्हारे साथ है। पापा, कौन है वो लड़का जिसने ऐसा पोस्टर लगाया? टप्पू, मुझे पता होता तो मैंने उसका हाल फटे हुए पोस्टर जैसा कर दिया होता। तो हम छोड़ते क्या? तो सर, कोई बात नहीं पापा, टप्पू उसे ढूंढ कर ही रहेगा। टप्पू शांत हो जा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे दादाजी का यह बेटा अभी जिंदा है, बदला लेने के लिए। चलो टप्पू बेटा और बाकी सब लोग अपने अपने घर जाओ। नहीं बेटा अंकल। टप्पू, एक बार के दोना। चलो फ्रेंड्स, क्लब हाउस। अरे मैंने अपने अपने हाउस में जाने को बोला था, क्लब हाउस कहाँ जा रहे हो? अरे आदमारा बोला खेलने गए होंगे। तू इतनी आसानी से मान जाएगा जाने के लिए, यकीन नहीं होता। नहीं, कभी कभी मैं ऐसा जरा रूह आपसे बोलता हूँ ना टप्पू, तो मान जाता है। मान जाता है, डांटना पड़ता ही है। वैसे बच्चे काफी समझदार हो गए हैं ना? हाँ, परिस्थिति की गंभीरता को समझने लगे हैं। अरे वो देखो, कहाँ जा रहे हो? उस लड़के को ढूंढने। आए ओ रुबाब, उठी गला। ए चुप रहना चापले। अरे जेठिया पकड़ उसे। टप्पू सेना इस वक्त बेहद गुस्से में निकल पड़ी है साइकिल पे, और साइकिल सवार टप्पू सेना को रोकना लगभग नामुमकिन है इस वक्त। उतना ही नामुमकिन जैसे कि पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को रोकना, या फिर महंगाई को रोकना, या फिर रुपए के अवमूल्यन को रोकना। और टप्पू सेना निकल पड़ी है उसे ढूंढने जिसने चाचा जी के पोस्टर्स लगवाए हैं, यानी कि वो लड़का विकी। और अगर ये विकी टप्पू सेना के हाथ में आ गया तो मुझे लगता है कि उसका हाल वैसा ही होगा जैसे कोई लूज बॉल मिलने पर वीरेंद्र सहवाग उस बॉल का हाल करते हैं। मित्रों, टप्पू का गुस्सा स्वाभाविक है भाई, दादा और पोते का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है।
पोता अपने पिता से ज्यादा दादा से प्यार करता है और टप्पू की जान से ज्यादा प्यारे हैं चंपक चाचा जी, इसलिए गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है। और गुस्सा तो जेठालाल को भी आ रहा है। अब ये गुस्सा क्या करता है, क्या होने वाला है, यानी कि परिस्थिति में उतना ही टेंशन है जैसे किसी प्रेशर कुकर में पॉपकॉर्न हो, एक के बाद एक धमाके। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।